हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं अपनी जीन्स ट्राई कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से मन था कार्गो जीन्स पहनने का, तो आज मैंने पहन लिया क्योंकि उस दिन अम्मा ने मना कर दिया था। तो दोनों मैंने पहन कर देखा तो फाइनली मैंने ये वाला जीन्स जो है लिया हुआ है। और हमें एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो जीन्स है ना, इसको इस तरीके से पन्नी में पैक किया हुआ था, और जो ये दूसरी वाली जीन्स है इसको इस तरीके से इस डिब्बे में पैक किया था। तो और ये मैंने नहीं लिया, ये सही नहीं है। कपड़ा तो दोनों का अच्छा है, पर ये ज़्यादा सही लगा, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैं इसको ना रिटर्न करूँ। मैं गांव में ही एक लोगों के आज बारात जा रही है, तो निकासी हो रही है, तो वही बाजे वगैरह बज रहे हैं मंदिर में। देखो दोस्तों, प्रिया के भंवरे ने काट लिया है, काफी दर्द हो रहा है इनको। ये यहाँ पे काटता है, और ये देखिए इसके काटने से ना पूरा यहाँ तक लाल लाल हो गया, और पेट में भी काट लिया है। लोअर के अंदर था, हम पहनने जा रहे थे, तो जैसे हम उसको लेके चले ना, वो लोअर के अंदर से काटा है, मतलब उसको पहने नहीं है, ऊपर से ही पहन लिए थे, उसी में काट लिया हमको। अब दो बार काटा, एक बार काटा तो हमने सोचा कि मतलब क्या काटा पड़ी हो रही है, सोचा हम फिर से जब हमने देखा उसको तो दोबारा फिर से काट लिए। पेट्रोल लगाओ, पेट्रोल ये अभी हम लगा रहे हैं पेट्रोल। जब कपड़े के अंदर से इतना डंक मार सकता है, तो अगर ऐसे ही काटे तो कितना भयंकर ही काटता होगा। देखिए पूरा सूजन है, और इसमें ना जलन भी होती है और खुजली भी हो रही है, और ये उसका निशान है जहाँ पे उसने काटा, ये देखिए। तो मेरे भाई को काफ़ी टाइम से मोमोज खाने का मन था, तो उसने आज लेकर के आया हुआ है, और हमसे बोल रहा था बनाने के लिए। तो आज तो मेरे काट लिया था भंवरे ने, तो फिर उसने सोचा कि अब तो बनाएंगे नहीं, तो फिर वो ले आया और हम इसको खा रहे थे कोल्ड ड्रिंक के साथ में, और चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत तीखी भी थी। ए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा। अरे दोस्तों यार, इतनी तेज हवा चल रही है, देखो हमारे लोगों को पापड़ रखे थे झिल्ली में, उड़ गए नीचे चले गए, और इतनी तेज हवा चल रही, अभी अभी बारिश हुई है यहाँ पर, और बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, नीचे इतनी गर्मी है ना, नीचे कितनी गर्मी, बहुत गर्मी, और यहाँ पर हम इसीलिए कॉफी बना करके खिलाए हैं। तो कॉफी हम लोग यहाँ पे पी रहे हैं, और इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आप लोगों को दिखाएं अपने गाँव का व्यू। आज जो गाँव में एक लोगों के घर में तिलक है, तो उन्होंने भी अपना प्रोग्राम हमारे यहाँ पर देखिये गुआड़ा में रखा हुआ है, और यहाँ से आप लोगों को ठीक से दिखेगा नहीं, हम लोग इधर छत में हैं, पर आपको दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर टेंट वगैरह लगा हुआ है, और वहाँ पे बन रहा है खाना। अभी देखिए आइसक्रीम का भी कार्ट आ गया है, और यहाँ पर खाना वगैरह बनवा रहे हैं लोग। और ये घर है, घर भी दिखा, और ये है इनका घर, ये देखिए। और दोस्तों अभी बारिश हो गई है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए देखिए सूर्यदेव बादल में छुपे हैं। रात हो चुकी है और आज बहुत बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो रही थी, तो आगे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि अंगूठे में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी और खुजली बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी जा रहे हैं खाना बनाने, और आज हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी, तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मार्केट, और मौसम भी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है, ये देखिए दोस्तों बादल ही बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों इस टाइम पर बाहर निकलो ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है, बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, और खेतों में देखिए कितना भयंकर पानी वगैरह भरा हुआ है, और जो नहर खाली पड़े हुए थे ना, सूखे थे, वो भी भर चुके हैं। और वहाँ पर हमने आगे वीडियो नहीं बना पाए थे, और उसके बाद जब हम लोग वापस लौट रहे थे, तो ये हमारे यहाँ नई दुकान खुली है जहाँ पर आज हम फर्स्ट टाइम गए हैं। वैसे इसको खुले हुए तो शायद 1-2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक हम इसमें नहीं आए थे, दूसरी दुकानों में जाते थे, पर सोचा कि चलो आज इसमें भी जा करके देखते हैं कि इनके जो फास्ट फूड हैं उनका टेस्ट कैसा है। और ये जो बर्गर बनाते हैं, ये 3-4 तरह के बनाते हैं, जिसमें से एक होता है चीज़ का, और दूसरा होता है पनीर का, और तीसरा वाला होता है ऐसे नॉर्मल वाला। मोमोज आइटम बनते हैं,
के हिसाब से, जैसे आज 100 रुपया भी नहीं दे जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमारा टेस्टी सा बर्गर बन करके आ चुका है, और आप भी बताइए कि आपको फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और मार्केट आकर के फिर यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बना पाए थे, बस यहाँ का ही थोड़ा सा शूट किया था, और वहाँ पर जल्दी जल्दी का काम था और बीच में बारिश भी होने लगी थी, तो फिर इसी वजह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। और उसके बाद, और हाँ इस दुकान की बात करें तो सच में यहाँ का जो फास्ट फूड है काफ़ी टेस्टी है। आज हमने बर्गर को ट्राई किया है, फिर किसी दिन दूसरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, कैसी है टेस्ट करेंगे। और अभी हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं, और रास्ते में देखिए जो खेत पड़ते हैं ना, ये वैसे हमारे गाँव के मतलब गाँव के पास का ही है, तो यहाँ पर पानी पूरा भरा हुआ है बारिश का। और अम्मा के लिए भी हम लोगों ने पैक करा लिया था, तो कह रही आधा खाएंगे। अम्मा कह रही आधा खाएंगे। हाँ ठीक है। कहाँ है लड़ूबी किया? अम्मा आज तुम्हारे लिए देखो एक स्पेशल चीज लेके आए हैं। ये क्या चीज है? देखो खा के बताओ क्या है। अरे हम कह रहे हैं क्या चीज। खा के देखो खा के। जो आता है उसकी बारी। बढ़िया। ये चिल्ला है। चिल्ला ना है, बर्गर है। अब हम बर्गर बर्गर नहीं जाने, बर्गर नहीं जाने का। गोल गोल बर्गर हो गए, बर्गर नहीं बर्गर। थैंक यू अम्मा, वेलकम अम्मा, हमको थैंक यू बोल रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो गमला रखे हुए थे उसमें पापा ने बांस डाला हुआ था ताकि जो पेड़ है वो अच्छे से हो जाए, तो उनमें जब पानी भरता है ना तो ये पूरा पीला पीला सा पानी हो जाता है, तो वही हटा रहे थे यहाँ से, और ये बारिश का ही पूरा पानी भरा हुआ था गमलों में। तो अम्मा की जोरदार तैयारी चल रही है क्योंकि अम्मा कल कहीं जाने वाली हैं, तो देखिए पूरा अच्छे से तैयार हो रही है, और तैयार कर रहा है अम्मा का नाती, और अम्मा बहुत ज्यादा खुश है इसलिए। क्या अम्मा कहाँ जाइ हो? घूमे जाइ हो। और कैसा लग रहा है? बढ़िया। तुमका तैयार कर रहे? अरे नाती तैयार कर रहा तो अच्छा लग रहा। खुश हो रही अम्मा। और थैंक यू ना कही हो का? थोड़ा मेहंदी वेहंदी लगा लिए तो अम्मा बढ़िया रेडी हो गई। अम्मा रेडी हो चुकी हैं। ये देखो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।